हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका। तो अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। न्यूट्रिला और वेजीज के साथ बनाने जा रही हूँ ये हेल्दी मील। तो वेजिटेबल्स खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, और न्यूट्रिला जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसे खाने से बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये वेट लॉस करने में मदद करता है, हार्ट फ्रेंडली होता है, और कहूँ तो कितने सारे इसके गुण हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। अगर आपके पास कैप्सिकम ग्रीन वाला है आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास रेड वाला था, मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो आधा मैं इसे काट लूँगी और बस आधा मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रही हूँ। बीजों को फेंक देंगे और उसके बाद हम लोग इसे कट कर लेंगे। तो चलिए बीजों को फेंक दें और इसे कट कर लेंगे। तो छोटे पीसेस में मैं इसे कट करने जा रही हूँ। तो छोटे पीसेस में मैंने आधा कैप्सिकम काट लिया है, एक छोटी प्याज, दो हरी मिर्च, गाजर एक है, टमाटर एक छोटा है, और अदरक और लहसुन फाइनली चॉप करके ले लिया है। लहसुन को आप चार कलियाँ ले सकते हैं, अदरक को थोड़ा सा ले लीजिएगा। अब मैं सोया चंक्स को बॉईल करने जा रही हूँ। तो इसे कुक करना पहले ज़रूरी है, तो पानी को मैंने पैन में डाला है और उसमें एक कप सोया चंक्स को मैं डाल दे रही हूँ और इसे अब हम लोग पकने देंगे। तो इसके पहले कि हम इसे बॉईल करें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है ताकि सोया चंक्स के अंदर थोड़ा सा नमकीन हो जाए। और इसके बाद चलिए अब इसे कुक करते हैं। तो कुक होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते अच्छे से और फूल नहीं जाते अच्छे से, इसे हम लोग इसी तरह से कुक करेंगे। तो बीच बीच में आप इसे चला लें और इसे इसी तरह से पानी में बॉईल होने दें। तो थोड़ी देर में ही सोया चंक्स पक जाते हैं और ये देखिए ये बॉईल हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। ये गर्म है अभी, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सॉफ्ट हो चुका है, स्पंजी हो चुका है। तो बस इसे हम लोग पानी को निकाल लेते हैं। तो किसी बर्तन में पानी को हम लोग निकाल लेंगे। तो जाली को इसके ऊपर रखें और पानी को निकाल लें। सोया चंक्स को सारा इसके अंदर डाल दिया और पानी जो है वो निकल गया है, इसे हमें ठंडा करना है। तो ये देखिए ये सारा पानी फेंक दें और सोया चंक्स को ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम लोग निचोड़ लेंगे। ये देखिए इसके अंदर का जो पानी है उसको निकाल लें निचोड़ कर, और सबको इसी तरह से निचोड़ के किसी बर्तन में रख लें। ये पानी फेंक दें और अब मैं पैन में 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। टेबल स्पून का यूज़ किया है, आप चाहें तो 2 चम्मच तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन को जो फाइनली चॉप कर लिया था, 2 मिर्च को, और इसे अब हम लोग थोड़ी देर कुछ सेकेंड के लिए पका लेते हैं। कुछ सेकंड पक जाने के बाद इसमें जो कटा हुआ एक छोटा प्याज था उसको डाल दिया है। प्याज को डाल देने के बाद इसे हम लोग को 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट तक फ्राई हो गया है, इसमें हम लोग नमक को डाल दे रहे हैं। नमक को डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और टमाटर को इसमें अब डाल दे रही हूँ। टमाटर को डाल के भी कम से कम 1 से 1.5 मिनट पका लेते हैं। और टमाटर के पक जाने के बाद अब गाजर को डाल रही हूँ। गाजर को डाल के कम से कम 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे। तो ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है पर हेल्दी बहुत होती है। इसमें गाजर भी पक चुका है 1 से 1.5 मिनट, तो इसमें मैं कैप्सिकम को डाल रही हूँ, इसे बेल पेपर भी कहते हैं, और इसे हमें थोड़ी देर के लिए और कुक करना है। तो कम से कम आप इसे कुक कर लें 1.5 मिनट तक। चलाते हुए बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई पे मत रखिएगा। और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट पक जाने के बाद सोया चंक्स को जो हमने निचोड़ के रखा था उसको इसमें डाल दें। सोया चंक्स को डाल देने के बाद हमें इसे चलाते हुए थोड़ी देर तक फ्राई कर लेना है। सोया चंक्स जब थोड़े थोड़े फ्राई हो जाएंगे बाहर से, तो उसके बाद हम लोग चूल्हे को बंद करेंगे। और सोया चंक्स इस तरह से फ्राई करके जब खाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स इसे मैं चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ और कुछ देर हो गई है। तो ये देखिए सोया चंक्स हमारा
लगभग तैयार हो गया है और फ्राई हो गया है। ये देखिए, ये हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया, तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें अब मैं चूल्हे को बंद करके धनिया की पत्ती को डाल रही हूँ। धनिया की पत्ती आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना नहीं डालने से भी चलेगा। और तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी सा ये रेसिपी। और इसके साथ थोड़ा सा खीरा को मैंने काट के रख दिया है। तो इस तरह से बनाइए आप सोया चंक्स की ये रेसिपी। ये बिल्कुल हेल्दी मील है, आप इसको डिनर में भी सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम लोग फिर से ऐसी ही टेस्टी और नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।